ओके सो हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय भावुक एंड यू आर वाचिंग डे ड्रीमर भावुक माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो है मैं बाहर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा और अभी हम कहीं जा रहे हैं और 5 मिनट का मुझे टाइम लगा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ये इसलिए है कि जो भी डायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हैं अब इमिग्रेशन हो चुकी है बहुत ही स्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो मुद्दा ये है, 3 स्टूडेंट्स अभी डिपोर्ट हुए हैं, उनके जो कारण है, जो सबसे पहला कारण था, एक गर्ल डिपोर्ट हुई है, एक उनका कारण था। तो द गर्ल वॉज अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट जो भी सब कुछ था उसके पास, उसने अच्छी तरह से जवाब भी दिए, लेकिन जब उससे कोर्स का पूछा गया, उसके सब्जेक्ट्स का पूछा गया, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। तो उसने बोला दैट जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, सो ही सेड दैट आप यहाँ पर पढ़ाई करने नहीं आए हो, आप यहाँ पर कुछ और ही करने आए हो, और पढ़ाई का जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कोर्स ही नहीं पता। शी सेड कि मेरे एजेंट ने मुझे कोर्स दिया, मुझे पता ही नहीं। तो दैट्स नॉट अ थिंग, आपको सब जानकारी अपनी ले करके आना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं आ सकते। और जो सेकेंड पर्सन था, सेकेंड बंदा जो डिपोर्ट हुआ है, उसका ये सीन था, उसके पास डॉक्यूमेंट सारे थे, उसने जवाब भी अच्छे दिए, लेकिन जब आई फाइनेंशियल्स की बात, जब उन्होंने पूछा कि सेकेंड ईयर का आप फंड कैसे करोगे, आप अपनी फीस कैसे भरोगे सेकेंड ईयर की, तो उन्होंने GIC दिखा दी भाई ने, और उन्होंने बोला कि ये तो लिविंग एक्सपेंस है आपका, ये वो नहीं है, फीस नहीं भर सकते आप इससे, ये लिविंग एक्सपेंस है, यहाँ पे रह के आप काम करोगे तो ही पैसे बनेंगे और फीस भरोगे, आप GIC के सहारे नहीं रह सकते। और उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट या फंड्स ITRs नहीं दिखाए, और उनको डिपोर्ट का डॉक्यूमेंट थमा दी, और उनको बोला कि आप साइन करो और जाओ यहाँ से, साल के लिए डिपोर्ट कर दिया उनको भी, ठीक है। एंड और जो थर्ड पर्सन जो डिपोर्ट हुआ, वो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे था, एंड ही वॉज हैविंग ऑल दोज थिंग्स, ही वॉज हैविंग हिज CAQ, हिज GC की, हिज फीस, हिज एवरीथिंग, ही वॉज हैविंग हिज RTP, SCR, इवन हिज यू नो पोर्ट ऑफ एंट्री, ही वॉज ऑल्सो हैविंग पोर्ट ऑफ एंट्री, बट जो CAQ था उसका बंदे का, वो 8 मंथ्स के पहले था, 8 मंथ्स पहले इशू हुआ था। वैसे तो एक्सपायरी उसकी 2023 तक थी, लेकिन इनका मॉन्ट्रियल वालों का कुछ अलग ही रूल है, ये सबसे अलग चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि 8 महीने पहले आपका अगर है ना CAQ, तो वो एक्सपायर है, ठीक है, और आपको नया लेके आना पड़ेगा। उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि हाँ मैं बाहर जाके करवा लूँगा इसको, आप मेरा पासपोर्ट रख लो, ठीक है, आप या तो मेरा लगेज रख लो, एक उसने ये भी बोला कि आप मेरी आइडेंटिटी रख लो, लगेज रख लो, कुछ भी रख लो, मेरे को बस जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, फ्रेंच आ जाता है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में, तो फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो नहीं करते, आप इंडिया जाओ, वहाँ से न्यू CAQ अप्लाई करो और वहाँ से लेके आओ। और उस पर बैन तो नहीं लगाया 1 साल का, लेकिन जो 2 थे उन पर बैन लगा दिया 1 साल का। तो मैं डॉक्यूमेंट की भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, फिलहाल ये डिपोर्ट वाली है, डॉक्यूमेंट की प्रोबेबली कल तक आ जाएगी वीडियो, कल मेरी शिफ्ट है वैसे, शाम को मैं ट्राई करूँगा वीडियो डालने की, कल या परसों सुबह तक आ जाएगी वो वीडियो आपके पास। डॉक्यूमेंट की मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, वो भी मैं ट्राई करूँगा बनाने की। तो ध्यान रखें यार, अच्छे से अपनी स्टडी SOP की स्टडी करके आएँ, अपने कोर्स की स्टडी करके आएँ, ये बातें मैं बाद में बताऊँगा। यही थी मेरी आज की वीडियो, आज घूमने आए हुए थे लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, ज़रूरी है, और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो ज़रूर गिव इट अ थम्स अप। मैं यहाँ भाग भाग के आया क्योंकि मुझे यहाँ लाइट दिखी, बाकी सब जगह मतलब थोड़ा सा डिम था, तो मेरे कज़न्स वहाँ पे हैं, सब वहाँ पे हैं फ्रेंड्स, मैंने कहा यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ 2 मिनट। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो ज़रूर गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है उसको फॉलो कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, उसके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वेरी सॉर्ट कर सकते हो अपनी। एंड डू फॉलो मी, टेक केयर टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस आउट, लव लव, भावुक।